मार्गशीर्ष महीना शुरू हो चुका है और कृष्ण पक्ष की सप्तमी को माता लक्ष्मी के व्रत का पहला गुरुवार है। इस दिन भक्त माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करते हैं और महालक्ष्मी व्रत कथा का पठन एवं श्रवण करते हैं। श्री महालक्ष्मी व्रत कथा का श्रवण और पठन करने से दुख दारिद्र्य दूर हो जाता है। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है, मन की इच्छा पूरी होती है। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप तथा नाम हैं। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, रिद्धि, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिष्ठात्री एवं लक्ष्मी के रूप में स्थित है। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीरसागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में रासेश्वरी, चंदनवन में चंद्रा, चंपकवन में गिरजा, पद्मवन में पद्मा, मालतीवन में मालती, कुंदनवन में कुंददंती, केतकीवन में सुशीला, कदम्बवन में कदम्बमाला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृहलक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती है। इस तरह महालक्ष्मी की व्रत कथा का हम आरंभ करते हैं। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। चार वेद, छह शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरजचंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर, सुलक्षणा तथा पवित्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि वह जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे वे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछ डाला। रिद्ध ब्राह्मण का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दारिद्र्य के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई, उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत, संतति, संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ। संपत्ति तथा अधिकार के वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। रानी का यह स्वभाव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहाँ ठहरना ठीक न समझा। वे वहाँ से चल पड़ी। मार्ग में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन
मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रशवा का राज्य नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाए, अपना हाल उसे बताए, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह पता चला कि वे रानी श्यामबाला के पिता है, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े थाट से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रशवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सुरत चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला तो उसमें धन के बदले कोयला नजर आया। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन मार्गशीर्ष माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपने माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई, यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदरतित्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका अर्थ क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखे, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने जब खाना चखा तो सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद न आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करेगा, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी तथा सुख संपत्ति, शांति, यह सारी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। ऐसी और धार्मिक कथाएं जानने के लिए देखते रहे अर्था चैनल।